कौन कह रहा है? पीछे लफाज आई हूँ तो बीइंग अ मदर, मैं भी एक माँ हूँ और मेरा भी बच्चा 13 साल का है। अगर मैं आज अपने घर से नहीं निकलती तो कल को शायद मेरा बच्चा भी वहाँ होता। तो हम, मैं अपने क्रिश्चियन आवाम से कहती हूँ कि प्लीज आप थोड़ा यूनिटी रखें, क्योंकि हम जब एक नहीं होंगे तो हम अपनी आवाज आगे तक पहुँचा नहीं सकेंगे, क्योंकि हमें अपनी आवाज पहुँचाने के लिए एक होना चाहिए। और हमें एक होना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान, देखिए मैं बलूचिस्तान से आई हूँ और मुझे कल से जब मैंने एक वीडियो देखी मदर की, तो मुझे जो पेन मेरे यहाँ हो रहा है ना, वो एक माँ ही जानती है कि पेन क्या है। उस बच्ची, वो बच्ची आरजू मेरी बेटी है, आरजू आप लोगों की बेटी है। अगर आज आरजू के लिए आप खड़े हैं तो कल हम किसी और बच्ची के लिए नहीं खड़े हो सकेंगे। तो हमें अपनी क्रिश्चियन आवाम से, मैं अपनी पुरजोर उम्मीद करती हूँ कि प्लीज यूनिटी जो फादर साहब पर अमल करें। थैंक यू फादर साहब कि आपने हमें यहाँ बुलाया है और हमें यहाँ पर एक अच्छा लेसन देना है पूरी वर्ल्ड कौम जो है अमन है, क्योंकि हमारे खुदा ने यीशु मसीह ने कहा है कि पूर्ण अमन रहो और वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आया है। तो हम भी मोहब्बत के साथ और पूर्ण अमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और बलूचिस्तान की तरफ से जहाँ भी, अगर हाई कोर्ट में है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जहाँ जहाँ आप लोगों को हमारी जरूरत, पीटीआई के वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी तो पीटीआई वर्कर आप लोगों के साथ खड़ा है, शादा बशादा खड़ा है। और मेरी पुरजोर मजम्मत है फ्रांस के जो ठाकरे हैं उसके ऊपर, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। जब तक हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं तो वो भी हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। अगर हम हैं तो ये मुल्क है। शुक्रिया।